तुरई की चटनी। दोस्तों, आपने अब तक कई तरह की चटनियां खाई होंगी, पर आज जो चटनी हम आपको बताने जा रहे हैं वो ज़रा हटकर है। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कि तुरई की चटनी किस तरह बनाई जाती है, और यकीन मानिए इस चटनी का लाजवाब स्वाद आप एक बार चखने के बाद कभी भुला नहीं पाएंगे। तो चलिए, देर किस बात की, जल्दी से जानते हैं किस तरह बनाई जाती है तुरई की चटनी। तुरई की चटनी बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पैन में 1 से 2 चम्मच तेल गर्म करेंगे। तेल जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हींग, साथ ही डालेंगे 1/2 चम्मच सरसों के दाने। जब सरसों के दाने तड़क जाएंगे तो हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा, साथ ही डालें 2 हरी मिर्च और डालेंगे 1 roughly chop किया हुआ मीडियम साइज का प्याज। अच्छे से एक बार चम्मच चला लेंगे। अब हम डालेंगे करीब 10 से 15 काजू। 1 से 2 मिनट चलाने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 तुरई, जिसे हमने थोड़े मोटे टुकड़ों में काट लिया है। अच्छी तरह मिला लेंगे। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। 2 मिनट चलाने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून इमली का पानी। तुरई को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और तुरई ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। ऐसे में आंच को करेंगे बंद और इस तुरई को एक बाउल में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। अब हमारी तुरई ठंडी हो चुकी है, ऐसे में ये वक्त है सभी चीज़ों को पीस लेने का। चटनी पीसते वक्त हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ज़रूरत महसूस होती हो तो आप पानी डाल सकते हैं। तो अब हमारी चटनी पिस चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये बिना पानी के भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि तुरई गलने के बाद अपना ही पानी छोड़ता है और इस पानी में चटनी आराम से बन जाती है। तो जाना ना आपने कितनी आसान है तुरई की चटनी बनाना। ये चटनी उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी है जो तुरई के पौष्टिक तत्व का फ़ायदा तो उठाना चाहते हैं, पर तुरई का टेस्ट उन्हें पसंद नहीं होता। तो सब्ज़ी नहीं पसंद है, चटनी बनाकर खाइए और उठाइए ढेर सारे पौष्टिक तत्वों का फ़ायदा इस चटनी के ज़रिए। और यकीन माने, ये चटनी खाने के बाद आप बार बार इसे बना कर खाना चाहेंगे। तो फिर आप भी खाइए, अपनी फैमिली को भी खिलाइए और अपने घर आए मेहमानों को भी ये तुरई की लाजवाब चटनी खिलाना बिल्कुल भी ना भूलिए।